साथियों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर बड़ी तादाद में साथियों भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भयंकर भीड़ है। तो साथियों आपको पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले बस आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों खबर इस वक्त की दिल्ली से निकल कर सीधे सामने आ रही है केजरीवाल से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खबर निकल कर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सोमवार को धरने पर बैठ गए थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिसोदिया और जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर केजरीवाल से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी नेता और विधायक शामिल थे। बता दें कि बहरहाल भाजपा नेता मुख्यमंत्री से मिल नहीं सके, क्योंकि केजरीवाल गुजरात में हैं, जहां वे राजकोट में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं का आरोप है कि आबकारी नीति 2021-22 में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और वे आबकारी विभाग का जिम्मा संभालने और सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वे केजरीवाल सरकार में बिना विभाग के मंत्री हैं। उनके पास स्वास्थ्य, गृह, बिजली, सरकारी शहरी विकास समेत कई अहम विभागों का जिम्मा जॉब सिसोदिया के पास है। जी हां साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है, अभी अभी मुख्यमंत्री साथी मनीष सिसोदिया जो सोमवार को रवाना हुए थे, मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन के बर्खास्त में बीजेपी नेता केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं।